हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू पिक कवर सम मोर सेट्स ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स एंड वी ऑलरेडी कवर्ड वन सेट इन लास्ट सेशन एंड वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक पार्ट ऑफ राउंड रॉबिन इन लास्ट सेशन। बिफोर दैट वी हैव कवर्ड द नॉकआउट टूर्नामेंट्स एंड आई बिलीव दिस वॉज अ लास्ट सेशन और यू कैन से राउंड रॉबिन यहीं पे एंड हो जाएगा बिकॉज आफ्टर दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मिक्स्ड सेट which are related to games and tournaments, but not only going to use only round robin or knockout kind of thing. Mixed rahega, games and tournaments karenga. We will see the coin set, how to sort, tackle a coin wala set and other sets. So I hope, I also those who are watching recording for them, watch at 1.25x. If you want, if you think I am little bit slow, to bhai 1.25x pe dekh lo ya fir 1.5x pe dekh sakte ho. ओके, लीजेंड्स विल वॉच एट 2x। लेट्स गो अहेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट दिस लाइक कोर्सेज एंड व्हाटएवर सेशन वी हैव कवर्ड सो फार इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, यू कैन सिंपली विजिट हियर। ये देख लेना, prepb.in पे जाओ एंड आपको ये चीज मिल जाएगा। वहाँ पे एक कोर्स बना हुआ मिलेगा, सिंपली एनरोल इनटू इट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दे आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दिस। Apart from this, if you are looking for a mentorship, you can check out these courses. Let's go ahead. Yeah, this is a big announcement to all of you, those who are in the live session and those who are watching recording. 29th November, sorry, June. Kaan November mein chala gaya main. 29th of June, we are going to take an all India mock test. Main bhi matlab khud de bhi raha hu main. That's why I said tech. You can also take attempt this mock test. I'm going to analyze the LRDI part. If possible, I will try to do a QA also. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे। तो आपके पास टाइम है ट्यूसडे तक? ट्यूसडे आई थिंक नथिंग बट आई कितना होगा ट्यूसडे को? क्या है, 31st का मंथ होगा तो 31st है एंड 30th का मंथ है तो 1st of July होगा एंड आई थिंक जून इज द 30th मंथ तो 1st July। तो 1 जुलाई को हम इसे डिस्कस करेंगे। जून 30 कितना होता है? या सही है जून, तो देख लेना। यू कैन सिंपली एनरोल इनटू इट, दिस इज द लिंक। राउंड रॉबिन, वी ऑलरेडी नो द बेसिक ऑफ राउंड रॉबिन, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं सेट पे। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ टुडे। बिफोर वी गो अहेड विद दिस सेट, I want to ask, किसी को डाउट है किस सेट्स में? If you have doubt, do let me know. Like in the last set, this is the set which I given you for a homework. क्या यहाँ पे डाउट है आपको? कुछ भी किसी का आंसर नहीं आया हो? फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मैचेस पूछा है तो निकाल जाऊंगा आपने। एट लीस्ट लिस्ट नंबर पूछा है भी इजी है, मैक्सिमम पॉसिबल पूछा इजी, नॉट वेरी टफ। ये तो हो जाना चाहिए, तो इजी, सेम सिमिलर सेट है तो एग्जैक्टली सिमिलर। इसमें किसी को डाउट है? टेबी स्पोर्ट्स इवेंट में, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। क्या मतलब म्यूट पे बोल रहा हूँ? अच्छा, म्यूट पे नहीं, चलो नो डाउट सेट बन गया ये। विल शेयर यू आंसर इन आवर चैनल, आज मैं शेयर कर दूंगा। यू कैन सिंपली टैग मी, और एक बार टैग मुझे पिंग कर देना चैनल पे या फिर डीएम में। एनी वन ऑफ यू कोई भी आना, डीएम या फिर चैनल पे पिंग कर देना सो दैट मैं इसका आंसर की सब भेज दूँ। ओके, सो दिस वॉज अ इजी सेट, नॉट वेरी टफ। देर आर सम डेटाज यू हैव टू अरेंज दिस इन द मैनर एंड यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। दिस इज स्टेज वन, देर आर सम रूल्स फॉर स्टेज वन एंड देर आर सम रूल्स फॉर स्टेज टू। सेट इज वेरी, आई कैन नॉट से इजी, गुड सेट, मॉडरेट और लाइक इजी से थोड़ा बड़ा, इजी प्लस, यू कैन से इजी प्लस सेट है ये। चलो अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं तो कोई बात नहीं, हम करते हैं आज के सेट सॉल्व। दिस इज द फर्स्ट सेट विच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। I would recommend you guys to take your 5 to 6 minutes
एंड क्रैक दिस क्वेश्चंस। चलो 5-6 मिनट ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, 7 मिनट ले लो, 7 to 8। इतने में तो क्रैक होना चाहिए, 3 क्वेश्चन तो बनना चाहिए। ट्राई दिस सेट गाइस। सो यार इफ यू सी द सेट, देर आर 6 टीम्स, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना। द 6 टीम आर प्लेइंग विथ ईच अदर। दिस इज वॉट द फर्स्ट, लाइक दे आर प्लेइंग इन द एशियन हॉकी चैंपियनशिप। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप है, यहाँ पे 6 टीम है जो प्ले करने वाली है, गेम खेलने वाली हॉकी। नाउ इन द फर्स्ट राउंड इच टीम प्ले इच ऑफ द अदर टीम एग्जैक्टली वंस। ओके सो इन राउंड वन व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, द टीम इज गोइंग टू प्ले विथ इच अदर ऑफ द टीम। एंड इफ यू फॉलो द फॉर्मूला फॉर राउंड रॉबिन, द फॉर्मूला इज एन सी टू विच इज नथिंग बट एन इन टू एन माइनस वन अपॉन टू। और यहाँ पे 6 टीम प्ले कर रही है, दे आर गोइंग टू प्ले विथ एग्जैक्टली अदर एवरी अदर टीम एटलीस्ट फॉर वंस। ओके और एग्जैक्टली वंस इट इज मेंशन, एग्जैक्टली एक बार वो खेल रहे उनके साथ। इट मीन्स यू हैव टू फाउंड 6 C2 इज नथिंग बट 6 × 5 अपॉन टू विच इज इक्वल टू 15। सो राउंड वन में क्या हुआ, इन राउंड वन देर इज अ 15 मैचेस। नेक्स्ट इफ वी रीड अहेड यू कैन सी एट दिस स्टेज 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर विन, 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ, 0 पॉइंट फॉर अ लॉस। सो फॉर विन देर इज अ 2 पॉइंट, फॉर ड्रॉ देर इज अ 1 पॉइंट, एंड फॉर लॉस देर वॉज 0 पॉइंट। इफ द टीम इज गोइंग टू विन द मैच दे विल गेट अ 2 पॉइंटर, इफ टीम ड्रॉ द मैच द बोथ ऑफ द टीम विल गेट 1 पॉइंटर्स, इफ दे लॉस द मैच दे विल गेट अ 0 पॉइंटर्स। होप इट इज क्लियर, एंड इफ इट इज क्लियर लेट्स गो अहेड। आफ्टर ऑल द मैचेस वर प्लेड द टॉप टू टीम्स। ओके द टॉप टू टीम इज गोइंग टू प्ले द मैच इन टर्म्स ऑफ पॉइंट स्कोर एडवांस टू द फाइनल्स। सो देन राउंड टू शुड बी वॉट, यू कैन सिंपली सी हियर इन राउंड टू देर इज ओनली वन मैच बिकॉज दे आर सेइंग दैट ओनली टॉप टू टीम इज गोइंग टू प्ले। मतलब जो 6 टीम है, 6 में से जो टॉप टू हो गए वो जाके राउंड टू में खेलेंगे। एंड इफ दे आर गोइंग टू प्ले इन राउंड टू इट इज सिंपली क्लियर दे विल प्ले ओनली वन मैच विच इज द फाइनल वन। यू कैन सी हियर इन केस टू और मोर टीम एंड अप विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, द टीम विद अ बेटर गोल डिफरेंस इज प्लेस्ड हायर। लेट्स से देयर वाज 6 टीम एंड इफ इन केस टू टीम गोइंग टू लैंड अप विद द सेम पॉइंटर्स, लेट्स से दे आर लैंड विद अ 4-4। ओके एंड द टॉप टीम वाज विनिंग अ 5 पॉइंटर्स। तो अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है, और यू कैन से 3-3 एनीथिंग इज पॉसिबल। सो इन दिस केस व्हाट वी सी, वी विल सी विच टीम हैड मोर गोल्स। जिसके ज्यादा गोल्स होंगे दे द टीम विल गेट एडवांस टू द फाइनल्स, और जिसके कम होंगे वो वहीं पे रह जाएगा और यू कैन सिंपली से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। नाउ इफ यू कैन सी हियर इन राउंड वन देर इज 15 मैचेस, इन राउंड टू देर इज ओनली वन मैच। टोटल हाउ मेनी मैचेस हैपेंड इन अ टूर्नामेंट, 16 मैच। यू कैन सिंपली मार्क ऑप्शन 4 विच इज 16। होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विच अ टीम कैन एडवांस टू द फाइनल्स, मतलब मिनिमम कितना पॉइंट रहना चाहिए फाइनल्स में जाने के लिए। टू गेट इन टू द फाइनल्स व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट यू नीड, क्या है इसका आंसर आप लोग का, बताएं कोई आपका आंसर क्या है इसका। क्या हुआ, डन किया था, हुआ नहीं क्या, डन डन तो बोल रहे थे सब लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट कैन बी स्कोर्ड बाय टीम व्हिच फेल्ड टू एडवांस टू द फाइनल्स। चलो बताओ पहले इसका सेकंड का आंसर क्या आया, फर्स्ट तो इजी था। ओके सेकंड का आपका 4 आ रहा है, ठीक है। अदर्स, एक ने सिर्फ बताया 4 आ रहा है, बाकी थर्ड का क्या आया, व्हाट इज द थर्ड, थर्ड का आंसर क्या है। ओके एक का 5 आया, कूल 7, कूल
ओके, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया, किसी का 5 आया. चलो देखते, लेट्स सी व्हाट इज द अप्रोच, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है विच कैन अ टीम बी एडवांस टू फाइनल्स, मतलब मिनिमम से मिनिमम पॉइंट के बाद भी फाइनल्स में जाए. तो लेट्स से, एज आई रिटन हियर, देर इज 6 टीम्स एंड मैंने नाम लिखा टीम का, मैंने सिंपली लिखा T1, T2, T3, T4, T5, T6. ओके, लेट्स से मैंने बोला क्या, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द मिनिमम, मिनिमम होने के बाद भी वो नेक्स्ट स्टेज पे जाए, इट मीन्स आई नीड अ पर्सन विद अ मिनिमम टू मिनिमम स्कोर और पॉइंटर्स टू एडवांस इन द नेक्स्ट स्टेज. वॉट आई कैन डू सिंपली इन दिस केस, वेन एवर यू हैव टू फाइंड अ मिनिमम, एंड वो भी पूछ रहा हो कि कौन सा मिनिमम लेके वो आगे की स्टेज में जाएगा, तो सिंपली क्या करना, जितने नंबर है क्या, वॉट इज द पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 लोग को आगे में एडवांस करना है, आई हैव टू ओनली एडवांस 2 टीम. सो इफ यू हैव टू एडवांस अ 2 टीम, यू कैन सिंपली -1, एक को माइनस कर दो, वट एवर यू लेफ्ट विद द 1. सो आप इसको मैक्स टू मैक्स जितने पॉइंटर्स हो सकते दे दो, इट मीन्स आप ऐसे बोल दो कि दिस टीम इज गोइंग टू विन ऑल द मैचेस. लेट्स से तो इन दिस केस T1 इज गोइंग टू प्ले विद द 5 मैचेस, लाइक T2 के साथ एक खेलेगा, एक T3, एक T4, एक T5, T6. सो आई एम अज्यूमिंग दैट T1 इज गोइंग टू विन ऑल द 5 मैचेस, होप इट इज क्लियर. एंड इन राउंड वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन राउंड वन देर वॉज 15 मैच, अगर 5 मैच T1 ने जीत चुका है तो यू लेफ्ट विद 10 मैचेस. नाउ वॉट यू कैन डू सिंपली, यू कैन सिंपली से इन दिस 10 मैच, दिस 10 मैच विल बी प्लेड बाय टीम. ओके, एंड इन दिस केस यू कैन सिंपली डिवाइड इट. ओके, मैं 2 क्यों लिख दिया, ये 10 मैचेस जो डिवाइड हुआ है ये इसमें इक्वली बांट दो, डिवाइड दिस 10 मैचेस इक्वली अमंग दिस 5 टीम्स. इफ आई डिवाइड दिस इक्वली अमंग दिस 5 टीम, आई विल गेट अ 2 मैच पर हेड. इट मीन्स आई एम सेइंग द T2 वॉन 2 मैच, T3 वॉन 2 मैच, T4 वॉन 2 मैच, T5 वॉन 2 मैच, T6 वॉन 2 मैच. दिस इज वॉट आई एम अज्यूमिंग हियर, होप इट इज क्लियर. समझ रहा है मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, आई सिंपली डिड बिकॉज आई हैव टू फाउंड अ मिनिमम, 2 टीम थी, मैंने एक को आगे भेज दिया, मैंने बोला चलो इसको कितना मिनिमम दे सकते हैं, तो मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया. आई डिवाइडेड द पॉइंटर्स और मैचेस, मैं पॉइंटर्स नहीं है, मैचेस है, ठीक है, इक्वली आई डिवाइडेड द मैचेस. नाउ यू कैन सिंपली सी, अब मुझे केस मिला था, मुझे पता है विनर को 2 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ होने पे 1 पॉइंट मिलेगा, लूज होने पे 0 पॉइंट मिलेगा. एंड अगर इसने 2 मैच जीता, इसने 2 मैच जीता, इसने 2 मैच जीता, इसने 2 मैच, इसने भी 2 मैच, तो कम से कम 4 पॉइंटर्स इसके बने होंगे, बिकॉज पॉइंट्स की बात हो रही है, तो बिकॉज T1 वॉज वॉन द 5 मैच, 5 × 2 कितना हो गया, 10 पॉइंट इसके बन गए, इसने अगर 2 जीत गया तो 4 पॉइंट ये बन गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, तो 6 टीम अगेन, लेट्स से 6 टीम फिर से है यहाँ पे. सो T1, T2, T3, T4, T5, T6. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैक्स होने के बाद भी वो टीम गेम से बाहर हो गई है, ठीक है, मैक्स होने के बाद भी गेम से बाहर कौन हो सकता है यार. डेफिनेटली अगर ये दोनों को मैं अच्छा दे दूँ तो ये तो अंदर जाएंगे ही, यही एक टीम बचेंगे ना जो अच्छा होने के बाद भी नहीं जाए आगे. एंड आई एम अज्यूमिंग, लेट्स से आई इफ यू सी द T1, T2, T4, T5, T6, यू कैन सिंपली से दिस इज अ रैंक ऑफ अ टीम. ओके, अज्यूम कर लो रैंक ऑफ अ टीम, मैं किसी टीम का नाम नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज गोइंग टू विन और इंडिया इज गोइंग टू एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज, कोई भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स अ T1, T2, T3, T4 ऐसे मैंने लिखा है. नाउ सी हियर, इन दिस केस 6 टीम है, मुझे मैक्सिमाइज करना है. नाउ हियर आई हैव टू मैक्सिमाइज द टीम हैज मैक्सिमम स्कोर इज स्टिल नॉट एबल टू सक्सीड और एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज. क्या कर सकते हो इस केस में, इस केस में देखो आप क्या कर सकते हो, ये 2 को तो मैक्सिमम दे दूंगे ना, आप इसको 5 दे दोगे, इसको भी 5 दे दोगे, इज इट पॉसिबल इसको 5 देना, नहीं दे ही नहीं सकते हो. और सिंपली से लेट्स से गिव मी अ मोमेंट, कुछ सोच रहा हूँ मैं, बढ़िया बताता हूँ आपको.
सो व्हाट आई एम सेइंग, सो लेट्स से मुझे सिक्स को यहाँ मैक्सिमाइज करना है, तो सिंपली एक कॉल आ गया था इसलिए मुझे बीच में रुकना पड़ा। यू कैन सिंपली से हियर, ये टीम टीम जो होगी, ये थर्ड वन ही पर्सन होगा जिसका मतलब अच्छा स्कोर लाने के बाद भी बाहर हो जाएगा, राइट? सो इन दिस केस लेट्स से ये तीनों ने क्या किया, ये तीनों ने सारे मैचेस जीत गए। दिस टीम वॉन ऑल द मैचेस अगेंस्ट एवरी अदर टीम, इट इज माई अजम्पशन। ओके अज्यूमिंग दिस, ओके लेट लेट नॉट अज्यूम दिस, तू जो उल्टा बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, तो ये टीम 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 जो है इसको एज इट इज रहने दो। अब एक अजम्पशन यहाँ पे करो, अजम्पशन ये रहेगा दिस थ्री टीम गोइंग टू लॉस ऑल द मैचेस अगेंस्ट दिस थ्री टीम, दिस इज वॉट अजम्पशन। ये तीन टीम जो थे, ये इनके साथ जो मैचेस होने वाले थे वो तीनों लॉस कर गए। लेट से इसने तीन मैच लॉस कर दिया, ही ऑल्सो लोज थ्री थ्री मैच, ही ऑल्सो लोज थ्री मैच। नाउ वॉट लेफ्ट, हाउ मेनी मैचेज लेफ्ट विद देम? तीन हैं और तीनों के बीच में मैच होगा, तो थ्री इंटू टू अपॉन टू विच इज नथिंग बट थ्री मैचेस। तीन मैचेस इन लोग के बीच में हो रहा है, तो आई डोंट केयर अबाउट कौन जीत रहा कौन नहीं, तीन मैचेस सिर्फ यहाँ पे होगा। ओके इफ यू कैन, इफ यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट सम रैंकिंग, आई वुड से एवरी वन वॉन वन मैच, लेट इट बी। ठीक है, सारे बंदों ने एक एक मैच जीत गए, ये मैं कह रहा हूँ। लाइक लेट से टी फोर टी फाइव का मैच हुआ तो टी फोर जीत गया, टी फाइव टी सिक्स का मैच हुआ तो टी ये जीत गया, एंड टी फोर टी सिक्स का हुआ तो टी सिक्स जीत गया, अज्यूम कर लो, लेट इट बी। तो इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जो काम है यहाँ से है, बट ये समझाना कि मैंने क्या किया यहाँ पे। आई सिंपली वॉट सेड, ये तीनों बंदे, ये बाकी लोग का जो मैच है उनका सबका सब टी वन टी टू टी थ्री के साथ जितने भी मैच हुए सारे हार गए, दिस इज वॉट माई अजम्पशन। ओके नाउ तीन मैचेस यहाँ हो गए, वी ऑलरेडी डन 12 मैचेस, वी डिड 12 मैचेस, हमने 12 मैचेस किया है। सो इज इट पॉसिबल दैट दिस थ्री टीम विल वॉन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस? यस इट इज पॉसिबल। आई विल से दैट दिस थ्री टीम वॉन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस। इफ यू कैन सिंपली डिवाइड 12 अपॉन थ्री यू विल गेट अ फोर। I will simply say, yeah, he won four match, he won four match, he won four match. And the score is something like this, 12, 12, and 12, right? This is my assumption. I would simply say 12, but despite being a 12 point, he is not able to go in next round. Why? Why so? Let's say इसने एक assumption यहाँ पे दे चुका है, already हमें देने की मतलब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसने पहले ही बोल दिया है। You can see here, in case टू और मोर टीम एंड अप विद द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, द टीम विद अ बेटर गोल प्लेस हायर। मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई भले ही आप मैच जीते हो, भले ही आपने मैच जीता हो, लेकिन जो टी वन और टी टू है ना, इनके गोल्स ज्यादा है, तो आप तो बाहर जाओगे, ये दोनों अंदर आएंगे, राइट? आई वुड सिंपली से दैट दो यू वॉन द फोर मैचेस, बट स्टिल यू डोंट हैव दैट मच गोल्स इन योर अकाउंट। These two team have more goals than you. So simply from here, despite being a 12, he is not able to advance or get the place into a next stage. So for answer for this question is 12. Oops. Oops. Option ही नहीं है यहाँ पे तो. Maximum number of points scored by team. यार 12 आना चाहिए इसका आंसर तो. अगर 12 नहीं है तो फिर लेट से यहाँ पे अजम्पशन फिर हो रहा होगा, अगर वो 12 नहीं मान रहे वहाँ पे 12 ऑप्शन नहीं है, एंड स्टिल दे आस्क्ड यू अ मैक्सिमम, सो क्या हो सकता है? आंसर तो 12 होना चाहिए वैसे, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर 12 ही होता है, एंड अप्रोच भी सेम है, यू कैन फॉलो दिस अप्रोच इन अदर क्वेश्चन, यू विल गेट अ राइट आंसर। अगर वहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो कुछ माइट बी देर इज नॉलेज गैप, या फिर कुछ थिंकिंग उनकी अलग हो सकता है। दे आर अज्यूमिंग दिस इज गोइंग टू विन ऑल द मैचेस, जब चार नहीं जीत रहे, पांच के पांच मैच जीत रहा है। इन दिस केस इफ ही इज गोइंग टू वन फोर फाइव मैचेस, सेकंड टीम विल वन फोर मैचेस, एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू वन फोर मैचेस, दिस टीम विल वन ओनली थ्री मैच, राइट गाइस? दिस टीम विल वन ओनली थ्री मैच, देन रुक जाओ एक सेकेंड। अरे यार सॉरी, माय बैड यार, कोई बोलता भी नहीं यार,
मैं कैलकुलेट ही गलत कर रहा हूँ जब से यार। मैं वन की बात कर रहा हूँ ना, मैं 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे? आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2। 4 2 8, 8 8 होगा ना, पता है ना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल लेता हूँ। 8 डिस्पाइट बीइंग 8, 8 आंसर होगा फिर इसका। 12 नहीं है, 8 होगा, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। मैं उसे 4 × 3 कर रहा था, 3 पॉइंट्स पर मैच में दे रहा था विनिंग के लिए, बट फॉर विन इच विन यू हैव टू गिव 2 पॉइंट्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन 1, 8। होप इट इज क्लियर। क्लियर है? इफ इट इज क्लियर लेट्स गो अहेड। सर बताया करो, मतलब कुछ भूल जाता हूँ मैं, इधर उधर जाता है तो आप लोग मस्त देखते रहते हो टीवी शो। हाउ इज दिस, कैसा लग रहा है देख के सेट? इज इट विजिबल क्लियरली टू यू? नहीं विजिबल हो तो जूम कर लेना, कैन सी बाय जूम, ये डेटा आपको दिख जाएगा जूम करने पे। हैव अ ट्राई, गिव अ ट्राई, एंड इट इज इट नॉट वेरी टफ बट इजी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है इसके, दीज आर सम क्वेश्चंस। लेट्स रीड द सेट फर्स्ट। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स, रीड द सेट फर्स्ट देन डू लेट मी नो, देन मैं क्वेश्चन दिखाता आपको। सी द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट फॉर द सेम, बिकॉज आई थिंक आपको डेटा पे वापस आना पड़ेगा। सो टेक अ स्क्रीन शॉट और जो भी है। सो अगर आपने टेबल बना लिया कॉपी में तो वेल एंड गुड, देख लो ये। अगर क्वेश्चन ना समझाओ तो, सॉरी सेट ना समझाओ तो डू लेट मी नो, विल एक्सप्लेन देन यू कैन ट्राई। लेट्स रीड द सेट, बट सेट इज गिविंग यू और मेंशनिंग द पॉइंटर्स। द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल की बात कर रहे हैं ठीक है, गिव्स द नेशनल फुटबॉल लीग NFL। अगर NFL कहीं आगे दिखा तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट नेशनल फुटबॉल लीग। 2007, 2007 में होता है, स्टैंडिंग एज ऑन April 30, 2007। बहुत पुराना सेट है लगता है। इन द फॉर्मेट ऑफ NFL ईच ऑफ द 12 टीम प्ले विथ इच अदर टीम ट्वाइस, मतलब ये जो टीम्स है ना, यू कैन सी हियर ये टीम्स दिखा है यहाँ पे, सारे टीम्स हैं, ये नाम है उनका, स्पोर्टिंग क्लब, डी डेम्पो, वो क्या नाम है, डेम्पो, ईस्ट बंगाल, महिंद्रा, फ्रांसा, JTC मिल्स, सेल गैवकार, वाह क्या नाम है, चर्चिल ब्रोस, मोहन बैगन, वैस्को, टॉलीग्विन, SBT। तो ये नाम है। अब इन लोगों ने क्या हुआ, मैचेस हुए, लाइक स्पोर्टिंग क्लब ने इस डेम्पो के साथ 2 मैच खेले हो गए, सिमिलरली फॉर सेम फॉर द अदर्स, दो दो मैच हुए। ओके देन द लीग मैचेस वाज टू बी कंक्लूड बाय 31st एंड 2000। ओके छोड़ दे, हमने हमारे काम करेंगे। द रैंक ऑफ द टीम इन द लीग इज डिसाइडेड बाय द पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम, द हायर द पॉइंट्स द बेटर द रैंक। अब जो रैंक है वो डिसाइड कैसे होता है, जिसका ज़्यादा पॉइंटर्स है उसको बेटर रखेंगे और उसको ऊपर रखेंगे। लेट्स से स्पोर्टिंग क्लब, यू सी हियर द पॉइंटर्स विद ही हैड और द टीम हैड 45, राइट, इट मीन्स ये बेटर है, हायर स्कोर इसलिए सबसे ऊपर है पॉइंटिंग टेबल पे। यू कैन सी द लास्ट वन SBT 15 के साथ सबसे नीचे, राइट, तो जितना हायर रहेगा उतना बेटर रैंक होगा। इफ टू टीम्स आर टाइड एट द सेम पॉइंट, द टीम विद द हायर गोल डिफरेंस हैज द बेटर रैंक। अगर दो टीम का अगर टाई हो जाए सेम पॉइंट पे, ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट यू कैन सी, यू कैन सिंपली सी गोल स्कोर डिफरेंस बिटवीन द हायर लाइक गोल्स, मतलब लेट्स से
ए और बी है, दो टीम है, इनका सेम टाई हो गया, मतलब मैचेस टाई हो गए इन दोनों के बीच में। नाउ व्हाट हैपेंड, ए का जो टोटल गोल्स थे ना, ए ने दो गोल खाए थे, लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन, ए ने दो गोल खाए थे, अरे यार यहाँ दिख ही नहीं रहा, रुक जाओ मैं न्यू पेज पे करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टूड बेटर। अब जैसे कि उसने बोला है दो टीमें, अगर ए और बी इन दोनों के बीच में टाई हो रहा है, सो व्हाट इट मीन, अगर लाइक गोल कंसीड और गोल स्कोर, गोल स्कोर मीन्स जितने गोल हमने मार के जीते हैं, ठीक है, कंसीड मतलब गोल अगेंस्ट में हमें मिला है, हमने जो खाए, ठीक है, तो गोल स्कोर हाउ मेनी गोल स्कोर कंसीड, सी लेट से ए स्कोर 6 गोल एंड इसके अगेंस्ट में जो 3 गोल इसको मिला है, सिमिलरली हियर ऑल्सो बी स्कोर 4 गोल्स एंड ही इसके अगेंस्ट में जो है वो कुछ अराउंड 5 गोल है, तो इन दिस केस ये जो होगा ये आगे जाएगा, ये जो होगा ये बाहर जाएगा, ठीक है। देन द टीम, ओके सॉरी सॉरी, डिफरेंस की बात कर रहे हो, डिफरेंस ऐसे नहीं होगा, इन दिस केस हमें डिफरेंस चेक करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, देख लो 3 है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है 1, मतलब कम गोल किसने खाए हैं, बी ने, इन दिस केस बी ऊपर जाएगा ए नहीं, दिस इज व्हाट वो कह रहा है, इफ दे स्टिल टाइड द टीम विद द हायर नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड हैज अ बेटर रैंक, अब फिर भी टाई हो रहा है, लेट से इसका भी 1 हो जा रहा है, इसका भी 1, लेट से इसने यहाँ पे ये 5 हो गया, इन दिस केस दोनों की डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस 1-1 है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, जिसका हायर गोल होगा, मतलब यहाँ पे हायर गोल किसका है, ए के पास है, तो ए आगे जाएगा बी नहीं जाएगा, ये वो कहना चाह रहा है, तो दो मतलब मेथड है टाई को तोड़ने का, फर्स्ट वन इज कि आप गोल के बीच का डिफरेंस देख लो कितना कंसीड किया, कितना मतलब स्कोर किया उनके बीच का डिफरेंस देख लो, सेकेंड इज अगर यहाँ भी टाई हो रहा है तो आप क्या देखो कि सबसे ज्यादा गोल किसके पास है, मतलब किसने मारे हैं, इसने अगर सबसे ज्यादा गोल मारे दैट्स इट, वो आगे जाएगा। 3 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड टू विनिंग टीम, 1 पॉइंट अवॉर्डेड टू बोथ टीम इन अ ड्रॉन मैच, नो पॉइंट अवॉर्डेड फॉर लूजिंग टीम, ओके नाउ सेम सिंपल है यहाँ पे, उसने सीधा बता दिया कि अगर आप जीतोगे मैच, इफ यू वॉन द मैच यू विल गेट अ 3 पॉइंटर, इफ यू ड्रॉ द मैच यू विल गेट अ 1 पॉइंटर, इफ यू लूज द मैच यू विल गेट 0 पॉइंटर, तो अगर ये समझ में आए तो अब थोड़ा डेटा टेबल देखते हैं यहाँ पे क्या समझ रहा है, यहाँ देखो यहाँ PWDLFA कुछ लिखा हुआ है, इसके डिटेल यहाँ पे दिया है, प्लेड पी वॉज नथिंग बट, क्यों मैं मोमेंट यार एक सेकेंड जूम क्यों कर लो, ओके सो यहाँ पी जो बताया है, पी मतलब क्या होता है, प्लेड मैच उसने खेल चुका है, एंड डब्ल्यू वॉज वॉन, डब्ल्यू जो है उसका मतलब वॉन जीत चुका है जितना, डी फॉर ड्रॉन, एल फॉर लॉस्ट, एफ फॉर गोल स्कोर्ड, ए फॉर गोल कंसीडेड एंड पी इज द पॉइंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ समझा देता हूँ, पी मतलब यहाँ पे जो है इसका मतलब इतने मैचेस खेला है स्पोर्टिंग क्लब ने, ही लाइक दिस क्लब प्लेड 21 मैच, डेम्पो प्लेड 20 मैच ऑनली, सिमिलरली डब्ल्यू जे वॉन 21 प्लेड 14 वॉन, अब 14 जीता है तो बाकी 3 में देखो यहाँ ड्रॉ है एंड 4 जो मैच है वहाँ पे लॉस है, सिमिलरली एफ एफ इज नथिंग बट क्या था एफ, गोल स्कोर्ड, ओके एफ का मतलब क्या है, गोल स्कोर्ड, एफ मीन्स गोल स्कोर्ड, ए मीन्स गोल कंसीडर्ड, मतलब इसको उसके अगेंस्ट में कितने गोल मतलब उसने खाए हैं, एंड दिस इज द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स कैसे निकालोगे, सिंपल है, 45 पॉइंट कैसे निकालोगे, 14 इंटू 3, 3 इंटू 1, 4 इंटू 0, वेन यू एड दिस यू विल गेट अ 45, ठीक है, तो ये है सेट ओवरऑल, अब इसको ही आपको समझना है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वेस्ट बंगाल वॉन एनएफएल चैंपियनशिप इन 2007 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैव नेसेसरली हैपेंड, अगर ईस्ट बंगाल जीत गया है मैच, ठीक है, चैंपियनशिप जीता है
2007 में, तो कौन सा चीज पक्का पक्का हुआ होगा, नेसेसरली हैपनिंग। तो यहाँ पे कुछ चार पॉइंटर्स है। ईस्ट बंगाल वॉन द रिमेनिंग टू मैचेस, लेट्स सी ईस्ट बंगाल क्या है, पहले देख लो उसको कहाँ है ईस्ट बंगाल। तो बिकॉज मैं ईस्ट बंगाल को देख रहा हूँ तो मैं बाकी डेटा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टीम रहेगा तो अच्छा दिखेगा। सी ईस्ट बंगाल यहाँ पे है, दिख रहा है ईस्ट बंगाल, दिस इज योर ईस्ट बंगाल। नाउ ईस्ट बंगाल ने 20 मैचेस खेले हैं। पहले ये देखो कोई एक टीम कितने मैचेस खेलेंगी। इफ यू रिमेम्बर हाउ मेनी टीम्स आर देयर हियर, 12 टीम्स। अगर 12 टीम है, देयर आर 12 टीम्स, और हर एक टीम जो है, लेट से जो फर्स्ट टीम है उसने दूसरे 11 टीम के साथ मैचेस खेले होंगे। कितनी मैचेस खेले होगी, 2 मैचेस हर एक टीम के साथ, 2 मैचेस खेले, तो मतलब कितना, 22 मैचेस हर एक टीम ने खेला है, राइट गाइस। तो 22 मैचेस टोटल मैचेस है, हर एक टीम कितने मैचेस खेलेंगे, 22 मैचेस। सो अगर ए ईस्ट बंगाल ने 20 मैच अगर खेल चुके हैं तो उसके 2 मैच और खेलने पड़ेंगे, राइट। दिस मस्ट वी हैव टू प्ले अ 2 मैच, 2 मोर मैच इससे खेलना ही पड़ेगा। वो जीतना या हारना वो अलग बात है, वो उसे बाद में देखते हैं। 2 मैच तो और खेलेंगी। तो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर क्या कह रहा है, ईस्ट बंगाल वॉन द रिमेनिंग 2 मैचेस। ईस्ट बंगाल वॉन द रिमेनिंग 2 मैचेस, इज इट ट्रू और नॉट, लेट्स सी। हाईएस्ट पे कौन है, 45, सेकंड पे है 44। मुझे इन दोनों को सरपास तो करना ही पड़ेगा ना, 44-5 को भी सरपास करना पड़ेगा, 44 को भी सरपास करना पड़ेगा, तभी मैं जाके टूर्नामेंट जीत सकता हूँ, राइट। तो मुझे ये दो तो मैच जीतना ही पड़ेगा। लेट्स से व्हाट हैपेंड, अगर ये एक मैच जीत जाए एक हार जाए, अगर एक जीत जाए, सिर्फ सिर्फ एक मैच जीते ईस्ट बंगाल, सो ही विल गेट अ 3 पॉइंटर फॉर विनिंग ऑफ 1 मैच। एंड लेट्स से सेकेंड मैच ही द मैच वॉज ड्रॉन, ही विल गेट 1 मोर पॉइंट, तो 4 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे। इफ आई हैड 4 पॉइंट, ही स्टिल हैव 44, विच इज नॉट सरपासिंग 45। तो ये तो मैच जीत ही नहीं सकता, मतलब टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकता। तो यस, द ईस्ट बंगाल मस्ट हैव टू विन द 2 मैचेस, देन ओनली ही इज गोइंग टू विन और वॉन द टूर्नामेंट। तो फर्स्ट तो आ रहा है भाई, फर्स्ट पॉइंटर तो आ रहा है, ये तो ट्रू है। समझ मेरा क्या सॉल्व करना है सर, कि नहीं समझ रहा। तो ये तो पक्का है, ये तो आना ही है, तो नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा इस केस में। सी बिकॉज आई हैव दिस ऑप्शन ओनली वन, और वन तो सब में ही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट ऑप्शन, नोटा नोटा एलिमिनेट कर दो। सी हियर, स्पोर्टिंग क्लब लॉस्ट द रिमेनिंग मैचेस। स्पोर्टिंग क्लब लॉस्ट द, स्पोर्टिंग क्लब कहाँ है, फर्स्ट वन। स्पोर्टिंग क्लब जो है इसने लॉ, ये हार गई होंगी बाकी के मैचेस। यस, ये तो हरवा यार, लॉस किया होगा तभी तो ये ऊपर नहीं है। इफ स्पोर्टिंग क्लब वॉन अ सिंगल मैच और द मैच विल गेट ड्रॉ, इधर तो ही इज गोइंग टू वॉन और मैच विल गेट ड्रॉ। वॉन करते ही इसके पास कितने पॉइंटर्स और हो जाएंगे, +3 हो जाएगा, राइट। 45 + 3 48 हो जाएगा। एंड इसका जो टोटल है, अगर मान लो इसने 2 मैच जीत भी लिया, 22 में से 2 जीत गया, तो ये तो 46 ही बन रहा है, इसका टोटल ही बन रहा है 46, राइट। और अगर ऊपर वाले बंदे ने अगर ड्रॉ भी कर दिया एक मैच को, स्टिल ये भी 46 हो जाएगा। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड, अगर वो ड्रॉ करता है, अगर वो ड्रॉ करता है और 46 हो जाए, तो उसके हमारे पास एक पॉइंट था कि दैट टाइम वी विल व्हाट सी डिफरेंस देंगे फाइनल्स का और कंसीड का। लेट्स सी क्या डिफरेंस ज्यादा है या कम है। तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस इज, आई एम अज्यूमिंग, यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैच क्या हुआ, ड्रॉ हुआ है, समझ रहा। ये 46 होगा और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका एक मैच जो था, क्योंकि 22 मैचेस खेलना है, इसने 21 ही खेले, एक मैच और बाकी है इसका, तो एक मैच जो था ड्रॉ हुआ। अगर ये ड्रॉ हुआ तो इसको 1 पॉइंट मिला होगा, +1 हो गया होगा यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, 46। नाउ बोथ आर ऑन सेम स्कोर। अब सेम स्कोर पे तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे दिस इज द पॉइंटर, गोल स्कोर और गोल कंसीड के बीच का डिफरेंस ज्यादा किसका है। ओके, तो
हायर जिसका होगा वो आगे जाएगा। लेट्स सी हियर, इसके बीच में क्या है, इनके बीच में जो पॉइंटर बन रहा है 25, यहाँ पे देखो कितना बन रहा है इनके बीच का, 31 माइनस 12, सो 30 माइनस 12 वुड बी नथिंग बट 18 एंड 19। यू कैन से सिंपली, अगर ये 19 है तो इसका हायर बन रहा है, हायर बोल रहा है, तो मैंने शायद जब भी गलत बोला था, अभी ध्यान दे दो, हायर गोल डिफरेंस होगा मतलब वो बेटर रैंक है, हायर गोल डिफरेंस है मतलब ये बेटर रैंक है, तो 25 जो है ये जाएगा, द स्पोर्टिंग क्लब विल गोइंग टू विन द मैच, बट मुझे इसको नहीं जिताना है, मुझे किसे जिताना है, ईस्ट बंगाल को। तो यस, ड्रॉ भी पॉसिबल नहीं है, विनिंग भी पॉसिबल नहीं है, ड्रॉ भी नहीं, मतलब उसे हारना पड़ेगा, स्पोर्टिंग क्लब मस्ट हैव टू लॉस द मैच। तो यस, ये भी होना चाहिए, तभी भाई कुछ हो सकता है, बिकॉज वन और टू दोनों चाहिए हमें, विच इज नेसेसरली हैपेंड। तो ए तो हटा दो, वी लेफ्ट विद दीज ऑप्शंस नाउ, लेट्स सी नेक्स्ट। डेम्पो ड्रॉन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स रिमेनिंग मैचेस, डेम्पो जो है कम से कम एक मैच तो ड्रॉ करना चाहिए, सो लेट्स इरेज दिस। यार एक सेकंड, ठीक है, इसका टोटल बन गया कितना, ये प्लस 2 हो रहे थे, 46 मैच होंगे डेम्पो को कम से कम। देखो इसके पास भी दो मैचेस बाकी है, इसके भी दो मैचेस बाकी है, तो लेट्स से अगर एक मैच जीत गया, एक मैच अगर जीत गया 3 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, एक मैच अगर वो हार गया 1 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख सको, एक मैच जीत गया एक मैच हार गया, तो ये तो फिर भी 37 से 47 से ज्यादा बन जा रहा है ये टोटल, इट विल बी गोइंग टू 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल्सो अगर वो दोनों मैच ड्रॉ कर दे तो इक्वल टू 46 हो जाएगा, अगेन इक्वल टू 46 हो जाएगा, तो ड्रॉ तो फिर भी हो सकता है, ड्रॉ इज स्टिल पॉसिबल, बट दोनों मैच जीत तो नहीं सकता, वो जीतना तो नहीं है, ड्रॉ क्यों पॉसिबल मैं कह रहा हूँ, सी हियर, इवन दो ड्रॉ हो जाए, इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 10 है डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना है 19, तो ये तो ऑब्वियसली आगे जाएगा, ये बाहर जाएगा, राइट, मैं ड्रॉ अज्यूम कर रहा हूँ, अगर ड्रॉ हो जाए, इसके दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, 1-1 हो जाए ड्रॉ, ठीक है, तो यहाँ पे 46 पे तो भी ईस्ट बंगाल जीत जाएगा, तो व्हाट द टीम इज सेइंग, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स रिमेनिंग मैचेस शुड बी ड्रॉ, देखो एटलीस्ट वन कहाँ है यार, एटलीस्ट वन, अगर सिर्फ एक, अगर गलती से एक जीत गया है एक हार गया, तो यार उसके दोनों, एटलीस्ट वन ने उसके दोनों मैचेस को ड्रॉ होना चाहिए, बोथ ऑफ द मैचेस शुड बी ड्रॉ, बोथ ड्रॉ पॉसिबल है, बट सिर्फ एक ड्रॉ हुआ, एक विन, एक लॉस, और एक लॉस भी हो सकता है यार, तो बोथ दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है इसमें, देखो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ रही, तो आई कांट नेगलेक्ट दिस ऑप्शन बिकॉज दोनों पॉसिबिलिटी आ रही, हो सकता है एक ड्रॉ हो जाए एक लॉस हो जाए, ठीक है, एक ड्रॉ कर दे एक लॉस हो गया, दूसरा केस है दोनों ड्रॉ हो जाए, तो बोथ केस आर पॉसिबल, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके लिए, अभी होल्ड डाउन ऑप्शन 3, मतलब होल्ड करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डेम्पो लॉस्ट बोथ द रिमेनिंग मैचेस, यस, इफ डेम्पो लॉस्ट बोथ द मैचेस, ये तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब ये तो हो जाए तो मजा आ जाए, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये भी मुझे कुछ ना कुछ करवाना है, तो आई हैव लेफ्ट विद द टू ऑप्शंस, ठीक है, मेरा 1 तो पक्का आएगा, 2 भी पक्का आएगा, दीज आर द डायलेमा, क्योंकि देखो दोनों मैचेस अगर हार जाए तो बहुत बढ़िया है, ये तो मतलब वेल एंड गुड, ये तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, बट अगर एक मैच हार जाए, लॉस मतलब ड्रॉ हो जाए, 1 मैच विल गेट ड्रॉ, और 1 मैच का मुझे पता नहीं क्या सीन है, ये शायद विन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, तो विन हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा, लॉस हो गया तो बहुत बढ़िया, और बिकॉज एटलीस्ट तो हो सकता है कि दोनों मैचेस ड्रॉ हो जाए, तो दिस इज समथिंग मतलब मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट था, ये भी एलिमिनेट था, ठीक है, और ओके, बिकॉज दे आर आस्किंग नेसेसरली हैपेंड हो की बात किया उसने, तो हम नहीं कह सकते नेसेसरली हैपेंड हुआ या नहीं, बट वॉट आई कैन से, बट मैं ये तो कह सकता हूँ ना, कम से कम एक मैच तो ड्रॉ हुआ ही होगा, ये विन हुआ हो या लॉस हुआ हो, लेट्स से लॉस ही हुआ है,
दो पॉसिबिलिटी, बिकॉज अच्छा चलो एक और चीज, एक और अजम्पशन ले लो यहाँ पे, बिकॉज आई नो ये जीत गया है चैंपियनशिप, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कब जीत सकता है, वेन डेम्पो जो है इसका एक मैच ड्रॉ हुआ होगा, एक मैच लॉस हुआ होगा, ठीक है, या तो दोनों मैच क्या होंगे ड्रॉ हुए होंगे या फिर तो मैच लॉस लॉस हुआ होगा, राइट, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये कुछ तो बोल दो भाई, सब सो गए क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी के बारे में नहीं कह सकते, वी कांट से एग्जैक्टली कि किसका हो, क्या होने वाला है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई विल मार्क ऑप्शन बी फॉर बीइंग अ सेफ, क्योंकि मुझे ये भी क्लियर नहीं है, कम से कम एक तो ड्रॉ होना चाहिए, हो सकता है कि दोनों मैच लॉस हो जाए, ये क्यों नहीं पॉसिबल है, तो वी कांट से नेसेसरली हम नहीं बोल सकते, ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे दोनों मैच हार गया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट हम नहीं बोल सकते, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ड्रॉ हो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है एक ड्रॉ हुआ हो एक लॉस हुआ हो, दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली मार्क ऑप्शन बी बीइंग ऑन अ सेफ जोन, लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम, ओके सो उसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए कह रहा है उनका आंसर, व्हाट इज द इशू विद दिस वन, स्पोर्टिंग क्लब से क्या इशू है ना, लेट्स सी कि इशू क्या है, स्पोर्टिंग क्लब कम से कम लाइक लेट अज्यूम स्पोर्टिंग क्लब ने एक मैच वॉन तो नहीं किया, हम नहीं बोल सकते विनिंग तो नहीं होना चाहिए, वॉन करेगा तो मैच पूरा पलट जाएगा, तो ड्रॉ हुआ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इधर लॉस इधर ड्रॉ, ड्रॉ होगा तो ये 46 हो जाएगा, एंड 46 हुआ है तो इनके बीच का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, ये डिफरेंस जो है ये कुछ कितना 25 का है, यस ना हियर यहाँ 19 का है डिफरेंस, तो बिकॉज ये दो मैच जीत रहा है, एक अजम्पशन ये भी हो सकता है, सी गाइस एक अजम्पशन ये भी तो हो सकता है, बिकॉज ईस्ट बंगाल नेक्स्ट टू मैच जीत रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे गोल बढ़ गया हो, इसने बहुत ज्यादा गोल यहाँ पे मारे होंगे, राइट एक पॉसिबिलिटी है, तो ये 25 को सरपास कर दे, तो एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे, तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में भी, स्पोर्टिंग क्लब के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर वो ड्रॉ हुआ है मैच, अगर मैच ड्रॉ हुआ है और ईस्ट बंगाल का अगर डिफरेंस से बढ़ के विन किया है तो हो सकता है, यस तो अगेन दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, तो मैं ये भी नहीं मार्क करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है, बट ये तो फॉर श्योर है कि वो दो मैच जीता है, तो ओनली ए शुड बी योर आंसर, समझे टू कैसे हेलमेट हुआ, स्पोर्टिंग क्लब क्यों हेलमेट हुआ, ये हेलमेट इसलिए हुआ, हो सकता है ना लॉस्ट ना हो वो ड्रॉ हुआ हो, स्टिल बिकॉज ऑफ जो कंडीशन गिवन है, बेटर डिफरेंस गोल डिफरेंस उससे जीत चुका हो हायर गोल डिफरेंस के, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन वन शुड बी द आंसर, नेक्स्ट फॉर विच ग्रुप ऑफ द रैंक इन NLF 2007 यू कैन कंक्लूड द नेम्स ऑफ द टीम इन दोज रैंक्स, तो आप कौन से मतलब ग्रुप के रैंक को मतलब ओके, तो ये पूछ रहे हैं आपको कि जो भी टीम्स है ये ग्रुप मतलब इसका ये कहना था ये जो है यहाँ पे गिवन टॉप थ्री टीम का जो रैंक है, टॉप थ्री रैंक्स, बॉटम थ्री रैंक्स, रैंक 4 to 6, रैंक 7 to 6, कौन से ग्रुप रैंक को आप कंक्लूड कर सकते हो, इट मीन्स आप बता सकते हो कि यस ये तो पक्का ही है इसी रैंक पे होनी चाहिए, ओके आप उसका नाम मतलब वहां पे डाल सकते हो, लेट्स सी कहाँ पे आप कर सकते हो, टॉप थ्री, बॉटम थ्री, 4 6 एंड 7 9, 7 to 9, मैं किन किन को बोल सकता हूँ कंफर्म कंफर्म कि ये कौन से प्लेस पे है, बिकॉज अभी भी देखो सबके यहाँ पे कुछ लोगों के एक एक मैचेस बाकी है, कुछ लोगों के दो दो मैचेस बाकी है, तो इसके एक मैच बाकी है, तो
एक मैच इधर जीता होगा या हारा होगा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए यहाँ पे। सिमिलरली यू कैन सी, देखो यहाँ टॉप थ्री को देखते, पहले टॉप थ्री को देखो, नोटिस करो उसके बाद जो भी है ये 32 पे है, ये 36 पे है। ये अगर एक मैच भी खेल ले एंड दो विन भी कर जाए, पॉइंट प्लस थ्री होगा, इसमें ही प्लस थ्री होगा, 35 से ऊपर तो ये जाएंगा नहीं, राइट? समझ रहा? मतलब टॉप थ्री में तो ये कोई भी नहीं जाएंगे, ये जो नीचे से है ये दिख रहा है, महिंद्रा वाले ये पूरे, ये जितने भी है टॉप थ्री में तो कभी भी नहीं जा सकते। रीजन बिहाइंड यू कैन सी हियर, 32 है, अगर एक मैच जीत भी है तो प्लस थ्री होगा सिर्फ, तो ये तो टॉप थ्री में जाएंगे नहीं। तो टॉप थ्री में कौन से टीम्स होंगी? टॉप थ्री में यही टीम भी होंगी भाई जो ऊपर में दिख रही है, राइट? दीज आर द थ्री टीम्स विच आर इन द टॉप थ्री। तो ये तो मैं बता सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये तीन टीम में से कोई एक होगा, लाइक 1 2 3 4 तो मैं कर ही सकता हूँ इसको, डिपेंडिंग ऑन देयर मैचेस। तो टॉप थ्री को मैं कंक्लूड कर दिया, ठीक है, बाय दिस आई वुड से या ये पॉसिबल तो है। लेट्स सी बॉटम थ्री रैंक, बॉटम थ्री को देखते हैं। इफ यू सी दिस बॉटम थ्री, क्या कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो? मान लो अगर ये प्लस थ्री कर दो तो ये 20 हो जाएगा, ये भी प्लस थ्री कर दो 20 हो जाएगा, इसको सरपास कर सकता है ये? नहीं, स्टिल सेम लॉजिक, बाय सीइंग द सेम लॉजिक, बॉटम थ्री में तो यही तीनों रहेंगे, तुम कुछ भी उखाड़ लो तीनों में तो यही रहेंगे बॉटम थ्री। तो या बॉटम थ्री भी हम बता सकते हैं कि कौन है भाई, वी कैन नेम द लाइक टीम्स जो बॉटम में है कौन टॉप में है। लेट्स सी 4 to 6 एंड 7 to 9 ये पॉसिबल है या नहीं। 4 to 6, दिस इज माई 4, 5 एंड 6 एंड दिस इज माई 7 to 9। अब देखो देखो भाई, सीइंग द सेम लॉजिक, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसमें प्लस थ्री हो जाए और ये यहाँ पे आ सकता है, ये आ सकता है, नहीं आ सकता, और ये मैच मान लेट अज्यूम कर लो ये एक मैच हार गया, ये एक मैच हार गया, जीरो हो गया ये, तो ये दोनों तो इक्वल पॉइंट पे आ गए। अब भाई इसको ये देख लो डिफरेंस, इसका जीरो है, इसका टू है, तो हो सकता है ना अगर ये प्लस थ्री कर जाए तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, माइट बी। लेट से यहाँ पे इसने नेक्स्ट जो मैच जीता है उसने जीत गया हो 5-0 से, 5-0 से उसने मैच जीता हो, सो आई एम गोइंग टू ऐड 5 हियर 0 हियर, इन दिस केस द डिफरेंस इज 5 एंड बिकॉज द डिफरेंस इज 5 ही इज गोइंग टू बी ऑन टॉप, जिन्हें इसके 6 पोजीशन पे आ जाएगा 7। तो यार ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ बाय सेम लॉजिक, मैं ये दोनों एडमिट कर सकता हूँ कि यार कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, देर इज टू पॉसिबिलिटी, ये ऊपर ये नीचे जा सकता है, राइट? देर इज पॉसिबिलिटी कि ये जो है जे जे सी टी ये नीचे आ सकता है और जो है सैलोगर ये ऊपर जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं इन दो के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि टॉप थ्री में इनका मतलब इस रैंक में मुझे पता नहीं चल सकता है। दैट्स व्हाई माय आंसर शुड बी ऑप्शन सी 1 और 2। गॉट द पॉइंट? समझा? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन द रिमेनिंग मैचेस बिटवीन स्पोर्टिंग क्लब एंड डेमो। अब हमें बता दिया, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि स्पोर्टिंग क्लब और डेमो के बीच में मैच हो रहा है। डेमो वॉन द मैच एंड डेमो मैनेज टू ड्रॉ द विथ ईस्ट बंगाल इन ऑर्डर टू इन अदर रिमेनिंग मैच। ओके सी, मिल गया राइट, एम ऑडिबल? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब के साथ हार गया मैच, ओके, स्पोर्टिंग क्लब के साथ, सॉरी, स्पोर्टिंग क्लब के साथ जीत गया, तो यहाँ पे डेम्पो को +3 मिल गया एंड ही गॉट अ +3। सिमिलरली
जो स्पोर्टिंग क्लब था उसको 0 मिला। यहाँ पे ही मैनेज टू गेट अ रिमेनिंग मैच, लाइक जो ड्रॉ हुआ था ईस्ट बंगाल का, ड्रॉ हुआ तो +1 +1 हो गया दोनों के पास। विच टीम वॉज द रनर अप टीम ऑफ NFL? रनर अप कौन है? चलो चार्ट पे वापस चलते हैं। रनर अप की बात किया है उसने, तो बिकॉज यहाँ पे डेम्पो का +3 हो गया, इसका +0 हुआ है, एक ही मैच था इसके पास, ये 45 पे ही एंड कर गया, +0 हुआ बिकॉज ऑफ दैट, वो 45 पे ही एंड करेगा, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता हो, ठीक है। +1 इसका और हुआ है, यहाँ पे इसका +1 हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर विनर कौन है, तो पता चल गया ना हमें, डेम्पो विनर है क्योंकि इसका टोटल कितना हो गया, 48 हो गया, ये 45 है, ये तो ऊपर जा नहीं सकता, इसका हो गया 22 मैचेस, 48 है, तो विनर तो हमें मिल गया। विनर कौन है? डेम्पो इज विनर है। डेम्पो क्या हो गया हमारा विनर? रनर अप तो या तो स्पोर्टिंग क्लब होगा या तो वेस्ट ईस्ट बंगाल। अब सी हियर, ये 45 हुआ है, अभी तक इसका टोटल कितना है, 45। इसके पास अभी भी एक मैच बाकी है, ईस्ट बंगाल के पास एक मैच अभी बाकी है। तो एक मैच में क्या हो सकता है? एक मैच में हो सकता है या तो जीत गया हो, अगर वो जीत जाएगा तो विनर के साथ टाई अप में हो जाएगा, टाई हो जाएगा इस केस में, अगर वो जीत गया तो विनर के साथ ये भी विनर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, एंड दैट्स नॉट, हम क्या देखेंगे इसका डिफरेंस, यहाँ पे 20 है डिफरेंस, यहाँ पे कितना है, 19 है, तो जो भी उसके बाद डिफरेंस होगा ये चेक करेंगे। तो अभी तक हम डायलेमा में है कि विनर या तो ये भी हो सकता है, विनर ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो हार जाए, अगर वो हार जाए ईस्ट बंगाल, अगर मैच हार जाए तो क्या होगा भाई, इसका 0 आएगा पॉइंटर, ठीक है। या तो जीत सकता है, जीत जाएगा तो विनर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, विनर के बराबर आ जाएगा, तो विनर चूज करना पड़ेगा हमें। अगर विनर चूज करना है तो ऑब्वियसली इन दैट केस डेम्पो इज गोइंग टू बी अ मतलब रनर अप, राइट। लेट्स से सिचुएशन ऐसे बनाते, चलो वहां पे नहीं करते, दूसरे पेज पे करते इसको, और नीचे ही करते हम, समझो इसे, ये अच्छा सेट है, मतलब बढ़िया सेट था ये। देखो कैसा सीन क्या है इनका, यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे इसका था ऑप्शन सी। नाउ सी हियर, कौन कौन है? स्पोर्टिंग क्लब है, डेम्पो है, ईस्ट बंगाल है। राइट नाउ उनकी जो पोजीशन है, इसका एक मैच बाकी है, ठीक है, इसके दो मैच बाकी है, इसके दो मैच बाकी है, ओके। एससी का जो अभी करंट स्कोर है वाज 45, डेम्पो का करंट स्कोर क्या है, दिस इज नथिंग बट 44, और इसका जो है ये 40, ठीक है। अब जैसे कि मुझे बताया गया एज पर द कंडीशन, डेम्पो वॉन कर गया मैच, मतलब इसमें तो 0 ऐड हुआ, जो ऊपर वाला है 45, इसमें क्या हो गया, +0 हो गया, इसके पास क्या हो गया, +3, बिकॉज हमें भी पता है कि इसने एक मैच दो मैच खेल लिया, दोनों मैचेस जिसमें एक में ड्रॉ किया इसने, तो +1 हो जाएगा इसका, +1। नाउ सी हियर, ये तो 45 ही है, ये कितना हो गया, नाउ दिस वॉज 48, ये हो गया 41, ओके सॉरी माय बैड, मैं जब भी गलत कर रहा था, शायद अगर 40 है तो, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं 45 क्यों ले रहा हूँ, मैं 45 क्यों ले रहा था, वहाँ पे 41 होगा। तो सिंपली सी हियर, मैक्स टू मैक्स व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट एक मैच यहाँ पे खेल चुका है, एक मैच और बचा है, मतलब ये दो में से एक खेल चुका तो एक बचा, क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ये जीत जाएगा एक मैच, और क्या हो सकता है, या तो हार जाएगा एक मैच और ड्रॉ कर दे, कुछ भी कर दे, ये बन गया 45, ये बन गया 48 मैक्सिमम, अगर जीत भी जाए तो कितना बनेगा ये, 44। रनर अप कौन बन रहा है, सीधा सीधा डायरेक्टली एस सी द रनर अप, खत्म, दिमाग लगाना नहीं था, फालतू दिमाग लगा रहा था मैं। सो कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहा गाइस, जैसे मैं अभी 45 लिख रहा था वहां पे, तो वैसी गलती मत करना, थोड़ी सी मिस्टेक करूंगे आप कंफ्यूज जाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैं सोचा था इधर और में आ जाएगा आंसर, बट नो, इधर और की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंपली आपका आंसर आ रहा है, अगर वो मैच जीत भी जाए तो भी कितना होगा, 44, ठीक है। तो ये गलत था, मैं यहाँ पे 45 लिख रहा था,
दैट्स वाई मेरा यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है, 41 है। तो होशो हवास में करना कभी भी सेट सॉल्व। तो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू यू। अच्छा सेट था, बहुत सी लर्निंग थी यहाँ पे, नॉट वेरी इजी बट टफ भी नहीं था। ये खुद के इसमें बेस में करूँगे इजी प्लस, और यू कैन से सिंपली मॉडरेट। मॉडरेट का इनिशियल लेवल जो रहता ना वो है, मॉडरेट में टफ नहीं था ये। तो दिस इज द सेट एंड आई होप यू अंडरस्टूड द सेट। आई एम गोइंग टू शेयर विद दिस शीट विद यू। मैं इसमें और कुछ शेयर सेट्स ऐड कर दूंगा, यू कैन ट्राई। ये वाला तो ट्राई कर लेना, अगर इसमें डाउट हो यू कैन डिमांड मी फॉर अ वीडियो सॉल्यूशन। मैं इसका अलग से वीडियो सॉल्यूशन बना के शेयर कर दूंगा आपको। ओके होप दिस इज क्लियर एंड या जो भी है आओ हमारे सेशंस में आओ। दिस इज समथिंग ऑफरिंग, यू कैन चेक अ prepb.in फॉर दिस। बहुत बार बता चुका हूँ तो देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वॉन्ट दिस सीट्स एंड ऑल द लिंक्स, सिंपली ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय सिया राम।